नहीं तो भाई के पास तो छोटा है ना। नहीं मैं दूसरों का दुख। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं कचला और हमारे साथ हैं नन अदर देन मिस्टर डेविल डेड जो अपनी एंटॉर्क पे हैं क्योंकि भाई की बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप भाई के ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि भाई की बाइक का रेगुलेटर में कुछ प्रॉब्लम थी तो बाइक सही होने गई है। तो जब तक वो नहीं आती जब तक भाई एंटॉर्क से ही ब्लॉग करेंगे। भाई अभी यहाँ से कावड़ यात्रा चालू हो चुकी है, थोड़ा ट्रैफिक वाला मामला है, लाइन से ट्रैक्टर खड़े हुए हैं यहाँ पर, हर जगह ट्रैक्टर ही है क्योंकि इसी के अंदर लोग आते हैं अपना पूरा सामान लेके उसके बाद फिर जाते हैं। अभी तो हमारे साथ सिर्फ डेविल भाई हैं लेकिन आगे चल के शायद डेविल भाई के कोई दोस्त हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। तो ऐट द एंड हम तीन लोग होंगे जो कचला तक जाएंगे। 18 तारीख तक तो आपको सिर्फ कावड़ यात्रा वाले लोग ही दिखेंगे रोड पर, उनकी ही भीड़ ज़्यादा होगी क्योंकि भाई भोले बाबा का दिन है। सभी भाइयों को हैप्पी शिवरात्रि इन एडवांस। भाई अभी आगे चल के हमें फ्यूल अप कराना है। वैसे फ्यूल तो है लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हम। ओ हो 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 तो भाई हम सोरो में एंटर हो चुके हैं। तो भाई आज सोरो की स्टार्टिंग से यहाँ से दुकानें चालू हो चुकी हैं और वगैरह सजाते हैं लोग। रस्सी बांध दी गई है, इसके अंडर अंडर ही आप व्हीकल चला सकते हैं, उसके उधर नहीं जा सकते क्योंकि वो एरिया जो कावड़ भर के ले जा रहे हैं लोग सिर्फ उनके लिए है। जो ये बैनर वगैरह लगे हुए हैं उसके बाद वो एक रस्सी भी बंधी हुई है, पुलिस वाले खुद लगा रहे हैं। कुछ लोग बाइक से भी कावड़ भरने जाते हैं जैसे हमारे ये भाई जो आगे जा रहे हैं। भाई देखिए ये किसी की शादी के लिए जा रही है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यदि बुक कर सकते हैं। जो भाई हमें ज्वाइन करने वाले थे अभी बस उनके पास हम पहुँचने वाले हैं। कितने देर में पहुंचने वाले ये मेरे को नहीं पता क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। उनको ज्वाइन तो हमें सोरो नगरिया से करना है। मेरे को ये तो पता है सोरो नगरिया मतलब एक जगह है जो बीच में पड़ती है कचला की। भाई जिस भाई को हमें ज्वाइन करना था वो हमें मिल गए हैं। एक फायर शॉट खोल के देखता हूँ, अगर आवाज़ आती है तो ठीक है। ऐसे ब्रेकर जब आते हैं ना एक और ब्रेकर। तो भाई अभी एक प्यारी सी चाय पी के बड़े होने के फायदे हैं कि नहीं अपने अलग बड़े बड़े होने फायदे नहीं होते तो ये नहीं मानते। नहीं तो भाई के पास तो छोटा है ना। नहीं मैं दूसरों का दुख ज्यादा देर तक देख नहीं सकता हूं। अरे इसलिए मैंने ऑफर किया था। नहीं तो मैं दुख कोई बात नहीं है भाई, अब आपका छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं क्योंकि मिनी है ना आपका 13 मिनी। चाय की चुस्की लेके अब हम लोग जा रहे हैं नीचे गंगा जी के किनारे क्योंकि डेविल भाई को शायद गंगा जल लेना है, इसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं अभी। भाई ये है रास्ता गंगा जी के लिए जो थोड़ा सा रेतीला है। तो भाई हम आ चुके हैं गंगा जी के किनारे। तो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, रात भी हो गई है, यहाँ से हमको लगभग 30 किलोमीटर जाना है अभी। अभी यहाँ पे एक अंकल जी की स्कूटी फंस गई थी जब मैं आ रहा था तब। गंगा जी के किनारे से हम पर आ चुके हैं रोड पर। यहाँ की लाइटें क्यों नहीं जल रही, पर जलनी चाहिए लाइटें, शायद अभी इनको पता नहीं है कि अंधेरा हो गया। तो ये ब्रेक कर, ये ब्रेक कर। तो भाई डेविल भाई पता नहीं कहाँ पीछे रह गए हैं, मेरे को अभी तो दिख नहीं रहे हैं। लो ये है भाई, ये देखो कार का टोरा ही अलग है भाई, गोली की तरह गई एकदम आगे। दोनों में एंट्री कर चुके हैं लेकिन किस्मत इतनी ख़राब है कि फाटक बंद हो गया है। तो भाई किस्मत ख़राब नहीं है, तुरंत खुल गया भाई।